क्लास थर्ड, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। तो बच्चा, जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर में रिवीजन कर रहे हैं, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है, आज हम थर्ड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। उससे पहले हम पेज नंबर 18 ओपन कर लेते हैं। पेज नंबर 18 में हमारा है वर्ड स्मार्ट। तो वर्ड स्मार्ट में क्या है बच्चा, कि जितना वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हु मेक्स फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है, तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए कि फर्नीचर का काम कौन करता है, कारपेंटर, यानी कि फर्नीचर जो बनाता है उसे हम कारपेंटर कहते हैं। वन हु सेल्स फ्लावर, जो क्या बेचते हैं, फ्लावर बेचते हैं, वो कहलाते हैं फ्लोरिस्ट। वन हु सेल्स वेजिटेबल, जो सब्जी बेचने का काम करते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ग्रॉसर या वेजिटेबल वेंडर। ओके, वन हु डज सर्जरी, जो सर्जरी करते हैं उन्हें कहते हैं सर्जन। बच्चों, डॉक्टर अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं ना, तो जो ऑपरेशन करते हैं उनको हम कहलाते हैं सर्जन। वन हु कलर्स क्लोथ्स, जो कपड़े रंगने का काम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं डायर। अब कभी कभी क्या होता है, हम एक रंग, हम जो हमारा पसंद का होता है वो दूसरा रंग लगा देते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, उसको रंग करते हैं, ठीक है। दूसरा है वन हु रिपेयर्स इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट, हमारे घर में जब कोई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाता है, जैसे कोई स्विच हो गए, फ़ैन हो गए बिजली के, तो उनको ठीक करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिशियन। वन हु कुक इन अ होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल और रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं वो कहलाते हैं सेफ। वन हु ग्रोस क्रॉप्स, जो अनाज उगाने का काम करते हैं वो कहलाते हैं फार्मर। वन हु सेल्स हाउस होल्ड आइटम्स, जहाँ आपके जो सामान बेचते हैं, कैसा, घरेलू सामान, जिनके पास सारे घर का सामान मिल जाता है, उस दुकान को हम बोलते हैं ग्रॉसर या ग्रॉसरी शॉप। वन हु वॉशेस एंड ड्राइनेस क्लोथ्स, जहाँ हमारे कपड़े धुलते हैं, प्रेस होते हैं, वो हमारी लॉन्ड्री कहलाते हैं। वन हु मेक रिपेयर्स कार, जो हमारी कार्स ठीक होती है वो मैकेनिक कहलाते हैं, मतलब जो उनको ठीक करते हैं वो मैकेनिक कहलाते हैं। वन हुज जॉब इन द कट हेयर, जो बाल काटने का काम करते हैं वो बार्बर नाई कहलाते हैं। वन हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में मरीज की देखभाल करते हैं वो वार्ड बॉय कहलाते हैं। वन हु इज़ द मेन फ्लायर ऑफ अ प्लेन, जो प्लेन उड़ाने का काम करते हैं, मेन कैप्टन कहलाते हैं। वन हु गार्ड्स इन बिल्डिंग और कॉलोनी, जो क्या करते हैं, कॉलोनी में, बिल्डिंग्स में क्या करते हैं, रखवाली का काम करते हैं बिल्डिंग्स की, कॉलोनी के, वो कहलाते हैं गार्ड, है ना। तो इनको आपको लर्न करना है। तो यहीं पे आपके पास फिर आपसे पूछा गया था, फिर आपने इनके आंसर दिए थे। एंड नेक्स्ट था, फर्स्ट वर्ड को आपने रिप्लेस करना था, फर्स्ट लेटर को उसकी जगह नए वर्ड्स लिखना था, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी अपने बुक में फिल किया था। अब आगे बढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, तो यानी कि एक वचन और बहुवचन। जैसे कि आपको पता ही है, सिंगुलर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बुक में फिल किए थे चेरी चेरीज, चर्च चर्चेस, पटेटो पटेटोज, वुल्फ वुल्फ्स एंड पेन का पेंस, ठीक है। अब हमने इसके रूल पढ़े थे, कुछ रूल हमने इसमें फॉलो करने हैं। जैसे रूल फर्स्ट क्या था, कि टू मेक द प्लूरल वी यूजली एस एड एस, ज़्यादातर हम एस को ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं, जैसे गर्ल का गर्ल्स, कप का कप्स, पेन का पेंस, ट्री का ट्रीज। सेकेंड रूल में था हमारा, कि जिस नाउन के लास्ट में, एंड में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो या एक्स हो, उनमें हम ऐड कर देते हैं ई एस। जैसे बस था, लास्ट में क्या आया, एस आया ना, तो यहाँ पे ई एस कर दिया, यानी कि बसेस। ब्रश, एस एच था, ई एस ऐड कर दिया। ड्रेस था, ई एस ऐड कर दिया। बेंच था, सी एच था, तो ई एस ऐड कर दिया, ठीक है। पुट इन अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन ओ, वी ओनली ऐड एस। कुछ कुछ वर्ड्स, नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ होता है, और प्लूरल में चेंज करते समय हम एस को ऐड कर देते हैं, लाइक फोटो, स्टूडियो, किलो, वीडियो, तो उनमें एस ऐड कर देते हैं। रूल थर्ड में हमने पढ़ा था, कि जिन
इन नाउन एंड इन कॉन्सोनेंट, जो नाउन लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस वाई कॉन्सोनेंट हो और उसमें वाई भी ऐड हो तो उसमें हम लास्ट में आई ई एस को ऐड कर देते हैं। जैसे एल ए डी वाई लेडी का हो जाएगा लेडीज़, क्या ऐड कर लिया हमने आई ई एस, फ्लाई फ्लाइज़, बेबीज़ बेबीज़, सिटी सिटीज़। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवल्स आए ठीक है तो वहाँ पे क्या होगा सिर्फ एस को ऐड करेंगे। जैसे टॉय, यानी कि वाई से पहले ओ आया, वो ओ हमारा वॉवल है तो ट्वाइज हो जाएगा। ट्रे, वाई से पहले ए आया तो सिंपल एस होगा, इसमें ई एस को ऐड नहीं करना है। ओके, रूल फोर्थ में हमने देखा था इन नाउन दैट एंड इन द एफ और एफ ई, वी रिप्लेस एफ और एफ ई विथ वी ई एस। जिनके लास्ट में एफ आता है या एफ ई आता है वो पूरे चेंज हो जाएंगे, उनकी जगह हो जाएगा वी ई एस। कब? जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे बिलीव था तो यहाँ पे हमने किया, लेकिन जैसे यहाँ पे लाइफ है एफ ई तो हमने हम कर देते हैं लीव्स लाइव्स, कार्फ कार्व्स, थीव थीव्स, लीव लीव्स। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में एफ होता है तो उनमें सिंपल हम एस कर देते हैं। जैसे बिलीव है बिलीव्स, शेप सेप, रूट रूट्स, ठीक है इस प्रकार से। अब है इरेगुलर प्लूरल, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं बच्चा जो क्या है पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, उनमें कोई रूल फॉलो नहीं करना है। जैसे फुट, तो फुट का हो जाएगा फिट। चाइल्ड, एक बच्चे के लिए हम चाइल्ड बोलते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो चिल्ड्रन। एक जब चूहा होता है माउस, बहुत सारे होते हैं तो माइस। एक औरत के लिए वूमेन और बहुत सारी होंगी तो ई का ऐड ई हो जाएगा, ए की जगह ई। मैन, उसमें भी सेम ई ऐड हो जाएगा। ऑक्स का ऑक्सन, टूथ का टिथ, गूस का गीस, लॉस का लाइज। तो इस प्रकार से हम इनको चेंज कर देते हैं। आगे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं, जैसे डियर, तो डियर का डियर ही रहता है ठीक है, सिंगुलर में भी एंड प्लूरल में। फिर इसके बाद हमने ये एक्सरसाइज की थी, ये हमने अपने बुक में फिल की थी, और इसमें आगे हमने पढ़ा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि संख्यावाचक और जो जैसे किनको गिनते हैं, जैसे नाउन द नाउन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल हाउ बी काउंटेड। एग्जांपल वन पेन थ्री पेन्स, वन कप फोर कप्स। लेकिन कुछ क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल राइस बटर मिल्क टी कॉफ़ी एक्स्ट्रा ठीक है। जब हम इनको ऐसे नहीं कह सकते हैं वी कैन नॉट काउंट वाटर, हम पानी को गिन नहीं सकते, लेकिन जब बोटल्स में बोलेंगे तब हम इनको गिन सकते हैं, ग्लास में बोलेंगे तब हम इनको वन ग्लास ऑफ वाटर, वन बोटल बोटल्स ऑफ वाटर, टू बोटल्स ऑफ वाटर ठीक है। इसी प्रकार शुगर है, इसी प्रकार क्या है जैसे आपके ब्रेड हो गया, आपका पेपर हो गया, इसी प्रकार से ये होते हैं। तो इतना आप समझिए, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।